साल में ख्वाहिशात लिए सूरज की नर्म किरणों ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रोशनी बिखेरी। नए साल का सूरज गुजरे साल की तलखियों, नाकामियों और मायूसियों को पीछे छोड़कर नई उमंगों और नई तमन्नाओं को लेकर तुलू हुआ। उम्मीद की जा रही है कि नए साल का सूरज पाकिस्तान में अमन सलामती और तरक्की लेकर आएगा। नए साल को मुल्क में मुस्बत और तामीरी तब्दीलियों का साल करार दिया जा रहा है। साले नौ के आगाज पर मसाजिद में मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम, अमन और उम्मत मुस्लिमा की यकजहती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गयी। पाकिस्तान में सबसे पहले नारोवाल के इलाके में सूरज ने बादलों के पीछे से सर उभारा। इस्लामाबाद में रावल झील के पानी में तुलुए आफ्ताब के वक्त किरणें झिलमिला रही थीं। कराची में सर्दी में इमारतों की ओट से नए साल के पहले सूरज की किरणें तुलु हुईं। लाहौर में शदीद सर्दी में दरख्तों की ओर से सूरज की किरणें नमूदार हुई। यखबस्ता सर्द हवाओं की लपेट में कोयटा में पहाड़ों और दरख्तों की ओर से सूरज ने अपना चेहरा दिखाया। इसी तरह मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने उम्मीद और आस के साथ नए साल के पहले सूरज का इस्तकबाल किया।